अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नफीस आलम और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने चैनल लेके इंसान। जो अपने दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पे। जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, इससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो भी आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आप जान सके हमारे पास क्या वैकेंसी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको वैकेंसी के बारे में बताते दोस्तों। मैंने बहुत दिनों से आपसे वादा किया था कि ऑफशोर की जॉब लाऊंगा मैं, और वो भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अपनी सीवी डायरेक्ट कंपनी में भेज के कंपनी आपको रिप्लाई करेगी। अगर आपका सीवी परफेक्ट रहेगा उनके हिसाब से तो आपको सीवी में वो रिप्लाई करेगी और आप उस पर जॉब अप्ला आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको कतर की वैकेंसी बारे में बताऊंगा, ऑफशोर कतर की वैकेंसीज है जिसमें सेकंड ऑफ डीपीओ पोजीशन पे बंदा चाहिए, सेकंड ऑफ डीपीओ पोजीशन पे बंदा चाहिए जिनकी सैलरी 150 से लेके 180 यूएसडी सैलरी होगी पर डे के हिसाब से। ऑफशोर में ज़्यादातर होता है 3 महीने काम 1 महीना छुट्टी, अगर सैलरी मंथली सैलरी है नहीं तो फिर पर डे के हिसाब से होता है कि आप जितना दिन काम करेंगे पर डे हिसाब से आपका सैलरी बनेगा, चाहे वो इंजीनियर हो, सेकंड इंजीनियर हो, या मैट हो, या डीपीओ हो, जो भी हो। तो अभी जो मैं कतर की वैकेंसी आपको बता रहा हूँ वो डीपीओ के बारे में है, जिन सेकेंड ऑफ डीपीओ जिनकी सैलरी आपका जाके 150 से लेके 180 यूएसडी सैलरी है। इसमें मैं आपके बीच में नहीं हूँ, ना कोई एजेंट बीच में है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल दूँगा, ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, वीडियो पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए। सबसे पहला आपका ऑफशोर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फ्रेशर में तो आप अपना लक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी इसमें डिटेल नहीं दी कि उसे एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए या फ्रेश चाहिए। तो डीपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, सेकंड ऑफ डीपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना सीवी परफेक्ट सीवी बनाइए जिसमें आपका लेटेस्ट अपडेट, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका कोई फ्रेंड्स का या फादर या ब्रदर का कोई इमरजेंसी नंबर वगैरह, पूरा हर चीज़ एक प्रोफेशनल तरीके से ही बना के उनके ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। जैसे ही उनका ईमेल आईडी पे आपका सीवी जाएगा और आपका और उनका रिक्वायरमेंट और आपका प्रोफाइल मैच कर जाएगा तो कंपनी आपको रिप्लाई करेगी और आगे का प्रोसेस के लिए अप्रोच करेगी। अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इसी महीने में फ्लाइट करना पड़ेगा। तो कतर के लिए वैकेंसीज, तो जो भी रेडी हैं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो पूरा आप तो देख लिए, अभी तक यहाँ पहुँचे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप अप्लाई कीजिए। अगर इस वैकेंसी इसके बाद आपको ईमेल आईडी अप्लाई करने के बाद कोई आपसे पैसे मांग करता है या कुछ भी मांग करता है तो बस वहीं पर बंद कर दीजिए, वहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जो पेड सर्विस चार्ज का जॉब रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा इस वीडियो के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और जो फ्री रहेगा वो फ्री बता दूंगा, जो डायरेक्ट कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के बारे में बता दूंगा, कुछ भी आपसे हाइड नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर कोई तीसरा पैसे मांगता है या चौथा पैसे मांगता है तो आप बड़ा होशियारी से केयरफुल से हैंडल कीजिए और आगे प्रोसेस कीजिए, क्योंकि इसमें ये आप जो का जो डायरेक्ट वैकेंसी में डालूंगा उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, मैं सिर्फ अब तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ, बाकी आपको खुद ही अपना प्रोसेस करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर चुके तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आपको ये फायदा होगा फ्यूचर में जो वीडियो आएगी उसके अंदर भी मिलेगी और जान सकेंगे हमारे पास क्या बना सी। ठीक है दोस्त, फिर मिलेंगे आप नई वीडियो नए वैकेंसी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।